हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एल्केन बनाने की विधियाँ। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा एल्केन किस तरह से बनाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्केन बनाना। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से एल्केन प्राप्त करने की दो विधियां हैं। फर्स्ट मेथड है आपकी सोडा लाइम द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों का सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ शुष्क आसवन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होकर एल्केन बनते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन परमाणु कम वाला अर्थात निम्नतर एल्केन प्राप्त होते हैं। देखिए RCOONa ओके प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम लवण एसिड के सोडियम लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन करेंगे तो RH प्लस Na2CO3। इसमें एक कम कार्बन परमाणु वाला, इसमें देखिए एल्किल समूह है, यहाँ पे एल्किल समूह है, पर यह कार्बन या CO2 के रूप में निकलता है और यह कम कार्बन इसमें कम हो जाता है तो एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है, यानी कि निम्नतर एल्केन बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए C2H5COONa सोडियम प्रोपियोनेट प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड यह क्रिया करेगा तो इसमें देखिए दो और एक तीन कार्बन है तो बनेगा आपका एक कम कार्बन वाला C2H6 प्लस Na2CO3। इसमें तीन दो और एक तीन कार्बन परमाणु है और इसमें दो कार्बन परमाणु हैं तो निम्नतर एल्केन प्राप्त होते हैं। दूसरी विधि है कोल्बे विद्युत अपघटनी विधि, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इस विधि में निम्नतर अम्लों से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इसका रिवर्स है, ये निम्नतर अम्ल लेंगे उच्चतर एल्केन प्राप्त होंगे। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। 2RCOO के पोटेशियम लवण है एल्केन एसिड का प्लस जल अपघटन करवाया जाएगा इसका 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस तो बनेगा आपका RR प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस KOH ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 2C2H5COOK प्लस 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस C4H10, यहाँ पे दो कार्बन थे, यहाँ पे चार कार्बन हो गए, C4H10 प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2KOH यहाँ तो तीन कार्बन थे सॉरी यहाँ तीन कार्बन परमाणु वाला और यहाँ पे
चार कार्बन परमाणु वाला एल्केन प्राप्त हो रहा है। तो इस विधि से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। निम्नतर एसिड साल्ट से उच्चतर एल्केन प्राप्त हो रहे हैं। इसके मैकेनिज्म का अपन देखें तो मैकेनिज्म देखिए, इसके मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से दर्शाई जाती है। C2H5 C2H5 C डबल ओके, ओके क्रिया करके C2H5 C डबल ओ माइनस प्लस के प्लस C2H5 C डबल ओ एनोड पे रिएक्शन होगी इसकी, एनोड पे C2H5 C डबल ओ प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन गया आपका। अब ये C2H5 C डबल ओ फ्री रेडिकल C2H5 फ्री रेडिकल प्लस CO2 बाहर निकल जाता। अब C2H5 फ्री रेडिकल प्लस C2H5 फ्री रेडिकल मिलके C2H5 बना लेता है, यानी कि C4H10 बना लेता है। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, 2 पोटेशियम प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2, ये सारी रिएक्शन 2H2O कैथोड पर, और ये हो जाता है आपका 2KOH प्लस H2। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है एनोड और कैथोड पर। एनोड पर C4H10 बनता है और कैथोड पर H2 गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है जो इनको एल्केन बनाने की, वो आती है क्लीमेंस अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों को यदि जिंक अमलगम व HCl के साथ अपचयित करवाया जाए तो C डबल ओ समूह किस में परिवर्तित हो जाता है, CH2 समूह में। ठीक है, देखिए R C डबल ओ R प्लस 4H इसमें काम आएंगे, और जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में R यह समूह है CH2 समूह में चेंज हो जाएगा, RCH2 R डैश प्लस H2। एग्जाम्पल CH3 C डबल ओ CH3 प्लस 4H जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में CH3 CH2 CH3 प्लस H2 बनता है। ओके, नेक्स्ट मेथड है कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण। कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण विधि, इसमें क्या होता है, इस विधि में कार्बधातु धातु यौगिकों की एल्किल हैलाइड के साथ युग्मन क्रिया करवाई जाती है। यह विधि उच्चतर एल्केन बनाने के लिए उपयोगी है। सर्वप्रथम किसी प्राथमिक द्वितीयक अथवा तृतीयक एल्किल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की भांति कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। देखिए CH3 Br प्लस 2 Li, शुष्क ईथर CH3 Li प्लस Li Br। ठीक है, लिथियम
ये लिथियम का कंपाउंड बन गया। अब इसकी क्यूप्रस हैलाइड के साथ क्रिया करवाकर फिर एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है। टू सी एच थ्री एल आई प्लस क्यूप्रिक आयोडाइड सी एच थ्री कॉपर सी एच थ्री एल आई प्लस एल आई आयोडाइड। ओके, अब यह सी एच थ्री का होल ट्वाइस कॉपर एल आई प्लस सी एच थ्री सी एच टू का सिक्स सी एच टू आई सी एच थ्री सी एच टू का सिक्स सी एच टू सी एच थ्री प्लस सी एच थ्री कॉपर प्लस लिथियम आयोडाइड। ओके, ये कंपाउंड आपका बनता है। कोरियाउस एल्केन संश्लेषण की विधि इस प्रकार से होती है। अन्य विधि एल्कोलों तथा कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, एल्कोहलों तथा कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। एल्कोहल एल्डिहाइड तथा कीटोनों का लाल फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपचयन करवाने पर भी एल्केनों का निर्माण होता है। देखिए सी एच थ्री ओ एस प्लस टू एच आई लाल फास्फोरस सी एच फोर प्लस एच टू ओ प्लस आई टू इस तरह से बन जाता है। सी एच थ्री सी एच ओ प्लस चार एच आई लाल फास्फोरस सी टू एच सिक्स प्लस एच टू ओ प्लस टू आई टू इसके द्वारा बना सकते हैं। एसीटोन से सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री प्लस चार एच आई लाल फास्फोरस बन जाएगा आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री प्लस एच टू ओ प्लस टू आई टू। ओके, इस तरह से हम बना सकते हैं एल्केन। इसके अलावा एल्केनों के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? एल्केनों के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण, चार कार्बन परमाणु तक के एल्केन रंगहीन गैसें, पाँच से सत्रह कार्बन परमाणु तक के एल्केन रंगहीन गंधहीन द्रव व उससे उच्चतर एल्केन रंगहीन गंधहीन दोष के रूप में पाए जाते हैं। समस्त एल्केन अद्रव्य अणुओं में के रूप में होते हैं, तो ये जलयम द्रव्य विलायकों में अविलयशील होते हैं। जल एवं द्रव्य विलायकों में अविलयशील अविलयशील होते हैं, ठीक है। लेकिन बेंजीन ईथर आदि में घुलनशील होते हैं, विलयशील होते हैं। ओके, होते हैं। इनके क्वथनांक के मान अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, लेकिन समवयवी आइसोमेरिक एल्केनों में साकित एल्केनों के क्वथनांक असाकित एल्केनों की तुलना में कम होते हैं और शाखाओं में वृद्धि के साथ एल्केनों के क्वथनांक घटते जाते हैं। इसका कारण यह है कि किसी अणु में शाखाओं की संख्या में वृद्धि से उसकी सतह का क्षेत्रफल घटता है, जिससे अणुओं में परस्पर अंतराण्विक आकर्षण बल घटता है। फलत यौगिकों के क्वथनांक
घट जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में अगले लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे।